Congress leader Randeep Singh Surjewala quoted International Labour Organization's report to target the government in failing to recover Indian economy. The leader said that the Modi government has pushed labours further into poverty. सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। आज ही United Nation यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक करोड़ों महिलाएं अब गरीबी के गर्त में दूसरे गरीबों के साथ पिछड़ जाने वाली हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 40 करोड़ भारतीय गरीबी की गर्त में गरीबी रेखा से नीचे धकेले जा रहे हैं, परंतु सरकार कहां है? ऐसा लगता है कि अब की बार गरीबों पर वार, अब की बार गरीब विरोधी सरकार। झुंझुना पकड़ाकर गरीबों को तरक्की का सत्ता में आए थे मोदी जी, परंतु 6 साल के बाद हालात क्या हैं? पेट में रोटी नहीं, हाथ को काम नहीं, घर में आराम नहीं, क्या करे गरीब, क्या करे निम्न आय वाला व्यक्ति? रोजगार रोटी जा रहे हैं, पर सरकार जैसे बेखबर सोई पड़ी है। आदरणीय देशवासियों, अब सोचने का समय है कि हार्ड वर्क और फ्रॉड वर्क के अंदर क्या मतलब है। फ्रॉड वर्क हमने 6 साल के अंदर देखा, जहां मुट्ठी भर जो उद्योगपति हैं केवल उन्होंने पैसा कमाया। अगर लॉकडाउन की ही बात करें तो अडानी और अंबानी की आय तो लगभग 35% बढ़ गई, परंतु आपकी जीडीपी जिससे आय बढ़ती है वो 24% नीचे गिर गई। क्या ये सरकार हमने बनाई थी 6 वर्ष पहले? हार्ड वर्क और फ्रॉड वर्क का अंतर समझना है तो श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार से समझिए, और आज वो याद दिलाने का समय आ गया है। जब 2004 में भाजपा से कांग्रेस ने सरकार ली तो देश में गरीबी की दर थी 38%। 10 साल बाद जब कांग्रेस ने 2014 में सरकार छोड़ी तो देश में गरीबी की दर गिरकर 21.9% रह गई, यानी 16% गरीबी दर गिर गई। 14 करोड़ हमारे गरीब भाई बहन गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए, 40 करोड़ का मध्यम वर्ग देश के अंदर हो गया। ये हार्ड वर्क है। ये भी हार्ड वर्क है कि गरीबी उन्मूलन के लिए कांग्रेस ने 10 साल में 16 कार्यक्रम चलाए और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 15.5 लाख करोड़ रुपया इन कार्यक्रमों को दिया। अकेले मनरेगा कार्यक्रम में, जिसमें 100 दिन का काम सुनिश्चित किया गया, 213 करोड़ मैनडेज क्रिएट हुए और इतने गरीबों के हाथ में हिंदुस्तान के गांव के अंदर पैसा गया जिससे खपत बढ़ी। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में औद्योगिक विकास की दर 8.5% थी। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी के नेतृत्व में जीडीपी 7.5% की दर से लगातार बढ़ी, चाहे वैश्विक संकट भी आया। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में 300% न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का बढ़ा और लोगों की आय 300% बढ़ी। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, इसे हार्ड वर्क कहते हैं। फ्रॉड वर्क वो है जो हमने पिछले 6 साल के अंदर देखा। बात गरीबों की करो, मदद उद्योगपतियों की करो। किसी दोस्त ने सही कहा है कि मोदी जी नचाए मोर और मस्त हुए सब देश के चोर, गरीबों के हाथ में कटोरा, देश जा रहा किस ओर? आइए सोचिए कि क्या ये सरकार गरीब विरोधी नहीं, गरीबों का उन्मूलन करने वाली नहीं, गरीब के खिलाफ अतिक्रमण और आक्रमण करने वाली नहीं? अगर है तो आइए मिलकर आवाज उठाइए, गरीब के खिलाफ वाली सरकार को सदा सदा के लिए नेस्तनाबूद करने के लिए और गरीब को ताकत देने के लिए, ताकि वो देश की प्रगति का एक मजबूत हिस्सा बन सके। जय हिंद।